नमस्ते दोस्तों, मैं रेनू सिंह अपने चैनल कुकिंग विद रेनू में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की मेरी रेसिपी है चाट बनाने की। चाट तो आपने बहुत खाई होंगी, शायद इस तरह से आपने कभी नहीं खाई होगी। आज हम इडली की चाट बनाएंगे, क्योंकि जब भी हम घर में इडली बनाते हैं तो अक्सर करके इडलियां बच ही जाती हैं। तो आज हम इसी इडली की चाट बनाएंगे, जो कि बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम बनाते हैं इस रेसिपी को। तो यहाँ पर ली है मैंने थोड़ी सी बची हुई इडली, तो इनको अब हम चार पीसेस में कट कर लेंगे इस तरह से। इडली पूरी तरह से ठंडी होनी चाहिए, ये देखिए। तो ये देखिए इडली हमने इस तरह से चार पीसेस में कट करके तैयार कर ली है। अब गैस पर रख दी है हमने एक कढ़ाई, और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच ऑयल। ऑयल को हम गरम कर लेंगे। जैसे ही ऑयल अच्छे से गरम हो जाएगा तो जो इडली हमने काट के तैयार रखे हैं उनको हम कढ़ाई में डाल देंगे। अब हम इडलियों को 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे, जिससे कि जो चाट का टेस्ट है और भी बढ़िया आएगा। 2 से 3 मिनट के लगभग हो गए हैं, तो अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इन इडलियों को हम एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। चाट बनाने के लिए हमें और किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर ली है मैंने हरी चटनी। हरी चटनी का वीडियो भी मेरे चैनल पर अपलोड है, आप देख सकते हैं। साथ में ली है हमने मीठी चटनी। मीठी चटनी का भी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, आप देख सकते हैं। साथ में ही लिया है हमने दही। दही को हमने अच्छे से फेंट लिया है और हमें फ्रेश दही का ही यूज़ करना है, ज़्यादा खट्टा दही हमें नहीं लेना है। साथ में लिए हैं हमने थोड़ी सी आलू भुजिया, आप कोई सी भी सेव ले सकते हैं। आधा चम्मच लिया है भुना हुआ जीरा पाउडर, आधा लिया है नींबू, आधा चम्मच लिया है हमने चाट मसाला, आधा चम्मच काला नमक, थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कट किया हुआ, थोड़ा सा लिया है हमने प्याज बारीक कट किया हुआ, एक ली है हमने हरी मिर्च बारीक कट की हुई। मिर्च का अमाउंट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा रख सकते हैं। तो यहाँ पर ले ली है हमने इडली, जो पहले से हमने फ्राई कर ली थी, पूरी तरह से ठंडी हो गई है। तो अब हम इसके ऊपर डालेंगे दही इस तरह से। अब इसके ऊपर डालेंगे हम बारीक कटा हुआ प्याज। अब हम इसके ऊपर डालेंगे सेब। आप सेब की जगह कोई सी भी नमकीन ले सकते हैं जो आप पसंद करते हो। अब हम डालेंगे हरी मिर्च, हरी चटनी। जिस अमाउंट में आपको चटनियां पसंद हो उतना अमाउंट आप इसमें डाल सकते हैं। मीठी चटनी चारों तरफ फैलाते हुए डालेंगे। अब हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे थोड़ा सा काला नमक, क्योंकि हमने इडली बनाते समय भी नमक ऐड किया है, तो नमक आपको ध्यान से ऐड करना है। साथ में ही हम स्प्रिंकल कर देंगे चाट मसाला, भुना हुआ जीरा पाउडर। अब लास्ट में जो हमने आधा नींबू लिया था इसका जूस भी हम डाल देंगे। और अब हम डालेंगे इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो ये देखिए हमारी इडली की सुपर टेस्टी चाट बनके तैयार है। तो आप इस रेसिपी को एक बार बनाकर जरूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।